नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जानिए झारखंड में कब होंगे पंचायत चुनाव, कहां से मंगाए गए हैं बैलेट बॉक्स। झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड की 61 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव में आयोग की अनुशंसा पर मुखिया पंचायत समिति वार्ड एवं जिला परिषद सदस्य के लिए आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया गया है। यहां 2,45,812 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर योग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। बैलेट पेपर पर ही इस बार पंचायत चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश से बैलेट बॉक्स मंगाकर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। हजारीबाग में राशन कार्ड के दर्जनों आवेदन लंबित, 2 वर्ष बाद भी लोग लगा रहे हैं कार्यालय के चक्कर। हजारीबाग में जिला आपूर्ति विभाग से कई आवेदकों को समय पर राशन कार्ड नहीं मिला है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय अधिकारी एवं कर्मियों से पूछने पर जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन लंबित होने का बहाना बनाया जा रहा है। जिला आपूर्ति कार्यालय में अधिकारी कर्मियों से पूछने पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आवेदन लंबित होने का बहाना बनाते हैं। 2 आवेदक 2 वर्षों से राशन कार्ड बनाने के लिए परेशान है। रोजी रोजगार छोड़कर प्रतिदिन कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। कोविड-19 के बाद लॉकडाउन के दौरान दोनों आवेदकों ने राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। हजारीबाग के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों की होगी शिक्षा जांच तैयारी पूरी। लंबे समय तक स्कूल से दूर रहने के बाद विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर जानने के लिए विद्यार्थियों में शिक्षा की गिरावट की जांच होगी। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद हो गए थे, घर बैठे विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। कोविड-19 में सुधार के बाद अधिकांश स्कूल खुल गए हैं। लंबे समय तक स्कूल से दूर रहने के बाद विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर जानने के लिए सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विशेष तैयारी की है। 31 मार्च को एक साथ पूरे जिले में कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों का ओमेरार शीट के माध्यम से मूल्यांकन होगा। इसमें विद्यार्थियों को शिक्षा की जाँच की जाएगी। इसकी तैयारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय हजारीबाग की ओर से कर ली गई है। झारखंड में धूप का दिखेगा तेवर, जानिए कब से चलेगी लू, बच्चों बुजुर्गों को ज्यादा खतरा। झारखंड में 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान धूप अपना तेवर दिखाएगी। 29 मार्च से 31 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में लू चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र की ओर से कहा गया है कि लू से बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। धूप में देर तक खड़ा रहने से बचने की सलाह दी गई है। बीए की पढ़ाई छोड़ बॉक्सिंग करने वाले शैलेंद्र बने हजारीबाग जिले के पहले बॉक्सिंग कोच। झारखंड के हजारीबाग जिले के खुटरा गांव के शैलेंद्र प्रसाद कुशवाहा पिता गंदौरी महतो जिले के पहले NIS बॉक्सिंग कोच बने हैं। 26 वर्षीय शैलेंद्र ने NIS बॉक्सिंग कोच बनकर अचाक प्रखंड की नहीं बल्कि हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने पंजाब के पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पोर्ट्स पटियाला के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शैलेंद्र ने पढ़ाई छोड़कर खेल की दुनिया में प्रवेश किया था। साहिबगंज नाव हादसे पर बोले पूर्व CM बाबूलाल मरांडी, झूठ बोल रहे DC, सरकार के गुर्गे चला रहे घाट का ठेका, CBI से कराई जाए जाँच। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में नाव हादसे की जांच CBI से कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरा हादसा रात तकरीबन 11 बजे का है, जबकि नियम के मुताबिक रात में नाव नहीं चलाई जा सकती। साहिबगंज के समता घाट से कटिहार के मनिहारी घाट के सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले ही नाव परिचालन का नियम है, लेकिन अवैध तरीके से 23-24 मार्च की रात साहिबगंज के कर्मा घाट से परिचालन रात में किया गया था। आय से अधिक संपत्ति में बंधु तिर्की दोषी, 3 साल की सजा। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची के मांडर से विधायक बंधु तिर्की को दोषी पाया गया है। सोमवार को CBI की अदालत ने उन्हें
तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि बंधु तिर्की को अदालत से कल ही बेल मिल सकती है। सजा के बाद उनकी विदायकी भी खतरे में पड़ गई है। कानून के अनुसार 2 साल से अधिक की सजा पर विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है। एक अच्छी खबर आ रही है, गर्मी की छुट्टी में स्कूलों में होगा ओलंपियाड। झारखंड के सरकारी स्कूलों में आने वाले गर्मी की छुट्टी में ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसमें इन स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पहले ओलंपियाड की परीक्षा जिला स्तर पर होगी और उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्रा को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चिट्ठी लिखी या नहीं पर प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों से कर ली वसूली। 2 साल की कोरोना महामारी के फेज में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और अभिभावकों को राहत दिलाने को लेकर 6 बार से अधिक बार बयान दिए हैं। इस दौरान उन्होंने आदेश भी जारी करने की बात कही, लेकिन बीते 2 साल में जगन्नाथ महतो के आदेश और बयानों का निजी स्कूलों पर शायद ही असर पड़ा हो। एक बार फिर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का सदन में निजी स्कूलों को लेकर दिया जवाब चर्चा में है। ऐसा इसलिए कि 8 मार्च को उन्होंने विधानसभा पटल पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, निजी स्कूल फीस न बढ़ाएं, इसे लेकर विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन विधायक भूषण बाड़ा के सवाल पर दिया था। 30 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक, जानिए किन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राज्य मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 30 अप्रैल बुधवार को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाले इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। शराब बिक्री के लिए भी नए नियम तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क पुल निर्माण की भी योजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है। वित्त वर्ष समाप्ति पर है, इसलिए भी 31 मार्च के पहले बैठक होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में एकमुश्त निकासी की भी छूट दी जाएगी। पेयजल समस्या को लेकर आयुक्त ने की बैठक, खराब चापाकलों को अविलंब ठीक कराने का दिया निर्देश। गर्मी के मौसम में आम जनों तक नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिले की विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। केंद्र का फैसला, बंद होगी कोरोना कॉलर ट्यून। पिछले 2 साल से चल रहे कोरोना कॉलर ट्यून से जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है। दूरसंचार विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी इस कॉलर ट्यून को हटाने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के अनुरोध के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय कॉलर ट्यून को हटाने पर विचार कर रहा है। इसे आपत्ति स्थिति में की जा रही है, कॉल में देरी होती है, नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत आती है। घोषणा पत्र में जो कहा है, 5 साल में सभी करेंगे पूरा शपथ लेने के बाद गोवा के सीएम सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री परमंद सावंत ने शपथ लेने के बाद पणजी में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जो कहा है वो 5 साल में सभी चीज़ें करेंगे। बकौल सावंत, स्वयं पूर्ण गोवा 2.0 मिशन शुरू होगा। सभी सेक्टर में रोजगार पैदा करना प्राथमिकता रहेगी। केंद्र के सहयोग से गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश रहेगी। अमीर जो आटा व दाल खाते हैं वही लोगों को मिलेगा राशन की घर घर डिलीवरी योजना पर मानसिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य में राशन की घर घर डिलीवरी योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा, जो आटा और दाल आम लोग खाते हैं, अमीर लोग खाते हैं, बिल्कुल वही आपको मिलेगा। मान ने कहा, सरकारें लोगों के लिए होती है, सरकारें लोगों की सहूलियत देने के लिए होनी चाहिए, उन्हें तंग करने के लिए नहीं। दिल्ली विधानसभा में हंगामा करने को लेकर सदन से निलंबित किए गए बीजेपी के 3 विधायक। बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर को सोमवार को दिल्ली विधानसभा से पूरे दिन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। स्पीकर रामनिवास गोयल ने तीनों विधायकों को नारेबाजी करने और बेंच पर खड़े होने को लेकर सदन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। MP के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इसके तहत 240 घंटों का AI कोर्स लागू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पशुओं के इलाज के लिए वेटरनरी टेलीमेडिसिन सेवा की घोषणा की। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहे, बोर्ड परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से
ठीक एक दिन पहले राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने रविवार को कहा कि किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा छात्राएं हिजाब पहनकर कैंपस में आ सकती है, लेकिन हॉल में प्रवेश करने से पहले उन्हें इसे हटाना होगा। बिहार के कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार को शख्स ने मारा मुक्का। बिहार के बख्तियारपुर में रविवार को सुरक्षा के बीच स्वतंत्र सेनानी सिलभद्र याजी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीठ पर एक शख्स ने आकर मुक्का मार दिया। सामने आए वीडियो में दिखा रहा है कि जैसे ही शख्स मुक्का मारता है तुरंत सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं। बकौल रिपोर्ट के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मायावती ने कही बीजेपी ने प्रचार कराया कि यूपी में बसपा सरकार न बनने पर मुझे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनके समर्थकों के बीच यह प्रचार कराया है कि राज्य में बसपा सरकार न बनने पर उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने सपने में भी राष्ट्रपति बनने को लेकर कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। गरीबों के राशन पर सरकार की बड़ी घोषणा। सीएम बोले जब तक ऑर्डर पर पिज्जा आ सकता है तो राशन क्यों नहीं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने रोज नई घोषणा कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल गरीबों को दिए जाने वाले राशन को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की है कि अब गरीब लोगों को राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अब सरकार उनके घर पर साफ राशन पहुंचाएगी। भगवंत मान की घोषणा पर खुशी जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस योजना को दिल्ली में लागू करने से केंद्र सरकार ने रोका, लेकिन अब ये रुकेगी नहीं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।